हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कैसे प्रिंटर में रखे हुए को स्कैन करते हैं। इस आगे देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम दिखाते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाइए, जो है यहाँ के आइकन में देख रहा है। सबसे पहले जाइए माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर सर्च करिए विंडोज स्कैन। विंडोज स्कैन सर्च करिए, यहाँ पे देखिए आ गया है। और सर्च करेंगे, आ गया है, अपलोड ले रहा है। मैंने इसे पहले से ही डाउनलोड कर लिया, आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हम पहले कनेक्ट करते हैं। देखिए आपको दिखाते हैं कैसे करना है। कैमरा करते हैं और देखिए यहाँ जो प्रिंटर देख रहे हैं, इसका तार हम पलक में लगाते हैं। देखिए लगा, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया इसका मॉडल नंबर। अब देखिए, अब हम इसको स्कैन करते हैं। इसके अंदर हम ये रखते हैं, प्रिंटर के अंदर हम ये रखते हैं, ये प्रिंटर के अंदर रखते हैं। ओके, यहाँ काट लें और ये डाल दें। अब हम स्कैन करते हैं। देखिए स्कैनिंग ले रहा है। देखिए देखिए ले रहा है स्कैनिंग। ये जो बत्ती है वही स्कैन ले रहा है। क्रॉसिंग हो गया है। यहाँ जो बी का आइकन है, ये दबाएं। अब आप देखते हैं जैसे कि रखे थे, ये हो गया है। अब ठीक है, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा।